हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू खाना मनपसंद। मैं कामना चोपड़ा खाना मनपसंद में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ये बहुत ही बढ़िया क्रीमी सी मैंगो आइसक्रीम। ये देखिए इसका टेक्सचर कितनी क्रीमी है, कितनी स्मूथ है, और ये बहुत ही इजीली बन जाती है बिना किसी लंबे झंझट के, और बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत भी नहीं है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ट्राई करने के बाद लिख करके बताइएगा कि आपको ये आइसक्रीम कैसी लगी। तो आइए शुरू करते हैं आइसक्रीम की ये रेसिपी। जी हाँ, हम घर पर मैंगो आइसक्रीम बनाएंगे जो कि बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही यम्मी बनती है। सिर्फ तीन चीज़ें मेन हैं इसमें, एक है व्हिपिंग क्रीम। तो यहाँ पर मैंने बिल्कुल चिल्ड, बिल्कुल ठंडी, फ्रीजर से निकली हुई व्हिपिंग क्रीम ली है, और इसमें बर्फ नहीं जमी हुई है। और ये व्हिपिंग क्रीम वही है जो केक पर लगाई जाती है, ये अमूल की क्रीम नहीं है। बट अगर आपको व्हिपिंग क्रीम ना मिले तो अमूल की क्रीम का इस्तेमाल किया जा सकता है। एक कप व्हिपिंग क्रीम, आधा कप दूध, और दो से तीन मीडियम साइज के आम जिनका कि हम पल्प निकालेंगे और छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर भी ऐड करेंगे। और साथ ही मैंने यहाँ पर हाफ कप से दो टेबलस्पून कम पिसी हुई चीनी ली है। आप चाहें तो कम या ज्यादा कर सकते हैं अपने स्वाद के अनुसार। और आशा करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज 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 इसे लाइक जरूर कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं हम आइसक्रीम बनाना। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्रीम को व्हिप कर लूंगी क्योंकि ये चिल्ड है, इसे हमें सबसे पहले व्हिप कर लेना है। मैंने यहाँ पर कांच का बाउल लिया है, इसमें हम क्रीम डाल देंगे। ये जो व्हिपिंग क्रीम है इसी से ये आइसक्रीम जो है वो क्रीमी बनेगी, क्योंकि इसमें काफ़ी एयर भर जाती है और ये बहुत ही फ्लफी बनती है। तो इसको हम सबसे पहले व्हिस्क कर लेंगे। मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक बीटर का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास ये ना हो तो आप इस तरह की बलून व्हिस्क का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट उससे समय थोड़ा ज़्यादा लगेगा। उसमें एक ट्रिक है कि आप नीचे बाउल रखें एक और उसमें खूब सारी बर्फ डाल लें और उसके बाद इसे व्हिस्क करें, तो ये थोड़ी सी जल्दी व्हिस्क हो जाएगी। लगभग 15 मिनट लगेंगे इसको इससे करने में, और इससे करने में सिर्फ 5 मिनट। तो हम इससे इसको व्हिस्क कर लेंगे। हम इसे लो स्पीड पर करना शुरू करेंगे और स्पीड धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे। ये देखिए 2 मिनट में ही ये सॉफ्ट पीक्स तक पहुंचने वाली है। तो इसको 2 मिनट के लिए और हम इसी तरह से बीट करेंगे। बाउल को इस तरह रोटेट करने से और भी जल्दी हीट हो जाएगी। ये देखिए सॉफ्ट पीक्स तक पहुंच चुकी है, आप देख सकते हैं। ये देखिए, हमें इसे बिल्कुल स्टिफ पीक तक नहीं करना, बस थोड़ा सा और बीट करना है। तो ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी है, ये हमें इतनी ही बीट की हुई चाहिए। ये देखिए इसकी इसी सॉफ्ट टेक्सचर के कारण जो आइसक्रीम है बहुत सॉफ्ट और क्रीमी बनेगी, बिल्कुल बाजार जैसी, और बहुत ही बढ़िया आइसक्रीम बन करके रेडी होगी। ये देखिए इतना सॉफ्ट होना चाहिए व्हिप्ड क्रीम का टेक्सचर। तो हम इसको साइड पर रख देंगे और साथ ही अब हम आम की प्यूरी बना लेंगे। तो आम की प्यूरी बनाने के लिए हम सबसे पहले आम को छील लेंगे। मैंने आम को पहले ही धो लिया है। आप कोई भी वैरायटी का आम यूज कर सकते हैं। मैंने आम का पल्प इसमें निकाल लिया है, अब हम इसको प्यूरी करेंगे। उससे पहले मैं इसमें 1/4 कप प्लस 2 टेबलस्पून शुगर जो है वो इसमें ऐड करूंगी। प्यूरी के साथ ही इजीली ब्लेंड हो जाएगी। प्यूरी बनाने के लिए इसमें थोड़ा सा हम जो हमने मिल्क लिया है उसमें से लगभग 1 से 2 चम्मच के करीब दूध डाल देंगे। बाकी का दूध हम क्रीम में ऐड करेंगे और इसको ब्लेंड कर लेंगे अच्छे से। बिल्कुल स्मूथ प्यूरे रेडी है। अब हम इसे व्हिप क्रीम में मिक्स करेंगे। तो ये जो हमने क्रीम व्हिप की थी बिल्कुल सॉफ्ट पीक तक, इसमें हम अब जो दूध बचा है वो इसमें डाल देंगे। इसे ब्लेंडर से ब्लेंड कर दूंगी ताकि जल्दी से मिक्स हो जाए। आप चाहें तो इसे स्पैचुला से भी मिक्स कर सकते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट और क्रीमी टेक्सचर है इसका। अब हम इसमें डालेंगे मैंगो प्यूरी, मेजर करके डालूंगी, इसको डाल दूंगी यहाँ पर। ये 1/4 कप ही है क्योंकि मैंने इसे हीप लिया है, ऊपर तक भरा हुआ था कप। आप चाहें तो बिना नापे भी डाल सकते हैं, बट उससे आइसक्रीम का टेक्सचर जो है वो कई बार परफेक्ट नहीं आता। हमने इसमें कोई कलर नहीं ऐड किया है। तो पहले हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि अगर हमें जरूरत लगी तो हम इसमें कलर ऐड करेंगे। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे क्योंकि प्यूरी जो है वो बिल्कुल नीचे जाकर के बैठ जाती है। देखिए बिल्कुल परफेक्ट टेक्सचर है इसका। तो अब हम बची हुई मैंगो प्यूरी भी मिक्स कर देंगे क्योंकि ये ज्यादा नहीं है, जस्ट 2 to 3 टेबल स्पून है।
आप इस समय इसमें मीठा चेक कर सकते हैं कि कम या ज्यादा तो नहीं है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर आइसक्रीम का कलर थोड़ा सा लाइट दिख रहा है, तो मैं इसमें कुछ बूंदे येलो फूड कलर के डाल दूंगी, जस्ट 2 to 3 ड्रॉप्स। एक ड्रॉप जो है वो ऑरेंज कलर डाल रही हूँ मैं, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो ऐड करें अदरवाइज अवॉइड कर सकते हैं, इससे आइसक्रीम का कलर बहुत अच्छा आएगा। आइसक्रीम का क्रीमी बेस बिल्कुल रेडी है, आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर कैसा है। अब हम इसमें ये थोड़े से चंक्स डाल देंगे मैंगो के, ये भी ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो ऐड करें अदरवाइज आप अवॉइड कर सकते हैं, बट जब आइसक्रीम में आते हैं तो बहुत ही अच्छे लगते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ मैंगो चंक्स डाल रही हूँ। जिस भी आप कंटेनर में इसे जमाना चाहें उसमें इसे डाल दें। तो मैंने यहाँ पर इस तरह का एल्यूमिनियम का पैन लिया है जो कि केक वगैरह बेक होने के लिए यूज होता है, आप चाहें तो एयर टाइट कंटेनर यूज कर सकते हैं, इसमें आइसक्रीम काफी जल्दी से जम जाती है इसलिए मैंने इसका इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर सारा बेस मैं इसमें डाल दूंगी, आपको इसे बार बार मिक्स नहीं करना पड़ेगा मिक्सी के जार में डालकर, क्योंकि इसका टेक्सचर ऑलरेडी इतना क्रीमी है कि काफी क्रीमी आइसक्रीम बनती है। बस इसे ओवरनाइट इसी तरह फ्रीजर में रख दें। मैं इस पर क्लिंग फिल्म लगा दूंगी और क्लिंग फिल्म को हम इससे टच करके फिर लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से, एक तो इससे आइसक्रीम पर कोई लेयर नहीं आएगी और दूसरा इसमें आइस क्रिस्टल्स नहीं बनते, इस तरह से बर्फ नहीं जमी हुई मिलेगी आपको आइसक्रीम में। अगर आप इन कुछ बातों का ध्यान रखेंगे तो बहुत ही बढ़िया आइसक्रीम बनेगी। अब हम इसे बंद कर देंगे इस तरह से, इसका ये लिड साथ ही में मिलता है बॉक्स का, अगर आप ये नहीं यूज कर रहे हैं तो आप कोई कांच का एयर टाइट कंटेनर या प्लास्टिक का कंटेनर भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से अब हम इसे ढक करके फ्रीजर में रख देंगे ओवरनाइट फ्रीज होने के लिए 8 घंटों के लिए, और उसके बाद मैं आपको आइसक्रीम सर्व करके दिखाऊंगी। तो ये देखिए इसे 8 घंटे हो चुके हैं, हमने इसे फ्रीजर से निकाल लिया है, ये देखिए कितनी अच्छी सी ठंडा है ये बॉक्स। तो मैं इसे खोल लूंगी, आप इसे इस तरह से प्रेस करके चेक कर सकते हैं, ये देखिए आइसक्रीम पूरी तरह से जम चुकी है, क्योंकि हमने इस पर ये क्लिंग फिल्म लगाई थी इसलिए इस पर कोई लेयर भी नहीं है, तो हम इसे क्लिंग फिल्म निकाल देंगे। वाओ, आपको आइसक्रीम का टेक्सचर देखकर ही पता लग रहा होगा कि किस तरह की है, देखिए कितनी बढ़िया आइसक्रीम बनी है, कितनी सॉफ्ट है और काफी क्रीमी भी है, इसमें आइस क्रिस्टल्स भी नहीं नजर आ रहे हैं। तो मैं इसे यहाँ पर इस मैंगो के स्लाइस के साथ सर्व करूंगी क्योंकि ये मैंगो आइसक्रीम है, तो हम आइसक्रीम को निकाल लेंगे, ये देखिए कितनी इजिली निकल रही है, ये देखिए कितना बढ़िया और क्रीमी टेक्सचर है आइसक्रीम का। तो मैं इसे प्लेट में निकाल लूंगी, ये देखिए कितनी परफेक्ट और कितनी क्रीमी से टेक्सचर की आइसक्रीम है आप देख सकते हैं। तो इसी तरह मैं एक और स्कूप निकाल लूंगी, इसी तरह से ये काफी इजिली निकल रही है और बहुत ही बढ़िया सी जम करके रेडी हुई है, इसमें कहीं कहीं बीच में मैंगो के टुकड़े भी हैं और आइसक्रीम वाकई बहुत क्रीमी और परफेक्ट दिख रही है। तो मैंने यहाँ पर मैंगो आइसक्रीम को सर्व कर लिया है मैंगो के स्लाइस के साथ, बिल्कुल परफेक्ट और क्रीमी आइसक्रीम रेडी है। और अगर आप इस आइसक्रीम को दोबारा से रखना चाहते हैं और चाहते हैं कि इसमें आइस क्रिस्टल्स ना आए, तो आप इसको दोबारा से इस तरह से कवर कर दें क्लिंग फिल्म से, मैं सेम क्लिंग फिल्म यूज कर रही हूँ, इसको दोबारा से इस तरह से कवर कर दूंगी टच करते हुए और इसको फ्रीजर में रख दूंगी। ये कुछ टिप्स हैं, अगर आप फॉलो करेंगे तो जरूर आपकी आइसक्रीम बहुत ही बढ़िया और परफेक्ट बनेगी। इस बॉक्स को दोबारा से बंद करके रख दें, तो इस तरह से आप अपनी आइसक्रीम को विदाउट आइस क्रिस्टल्स बना सकते हैं। तो ये देखिए रेडी है मैंगो आइसक्रीम। आई होप आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और खाना मनपसंद को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंजॉय द रेसिपीज विद खाना मनपसंद। बाय बाय, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी, बाय।